दोस्तों क्या आपको पता है कि एक वयस्क इंसान एक दिन में कितने लीटर ऑक्सीजन को ग्रहण करता है, या फिर एक ऑक्सीजन सिलेंडर में कितना ऑक्सीजन होता है, और यह कितने रुपए का पड़ता है। दोस्तों आज इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, क्योंकि मैं कुछ ऐसी चीज़ों को बताने वाला हूँ जिनके बारे में आज तक आपने कभी नहीं सुना होगा। आज मैं उस सच्चाई को बताऊँगा। दोस्तों क्या आपको पता है कि हम सभी के जीवन में एक पेड़ का क्या महत्व होता है। जब एक इंसान का जन्म होता है या जन्म होने से पहले ही उसको ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ने लगती है, और वह इंसान जब तक जीवित रहता है तब तक उसको ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। आपको बता दें कि एक वयस्क इंसान एक दिन में लगभग 17,500 बार सांस लेता है और 550 लीटर शुद्ध ऑक्सीजन को ग्रहण करता है, और एक दिन में एक वृक्ष लगभग 230 लीटर ऑक्सीजन देता है। क्या आप जानते हैं कि हिंदू धर्म में जब एक इंसान मर जाता है या ख़त्म हो जाता है तो उसके मृत शरीर को जलाने के लिए भी कम से कम 4 से 5 कुंटल लकड़ी की ज़रूरत होती है। तो बताइए क्या हमारा कर्तव्य नहीं बनता है कि हम भी अपने जीवन में कम से कम 4 से 5 पेड़ तो ज़रूर से लगाएं, जब यह प्रकृति हमारे जीवन के सारे ज़रूरतों को पूरा करती है। फिर चाहे अपने घर का फर्नीचर बनवाना हो या फिर हमारे शरीर में बन रहे रोगों को ठीक करने वाली औषधि। जैसे एक माँ अपने बच्चे को संपूर्ण ध्यान रखती है, वैसे ही प्रकृति हमारा ध्यान रखती है। आपको तो पता ही होगा कि हिंदू धर्म में पीपल, बरगद और नीम आदि जैसे पेड़ों को नहीं काटा जाता है। ऐसा क्यों? शायद इन पेड़ों की पूजा की जाती है हमारे धर्म में इसलिए, या फिर ये कहें कि ऋषि मुनियों को शायद पहले से ही पता था कि आने वाले समय में इंसान अपने स्वार्थ के लिए किसी भी प्रजाति के पेड़ों को नहीं छोड़ेगा। इसलिए ऋषि मुनियों ने वृक्षों के कुछ प्रजाति को अपने पूजा पद्धति में शामिल किया, या फिर ये कहें लगभग सारे पेड़ों की ही पूजा की जाती है, लेकिन जिनमें से पीपल और बरगद और नीम, जिनकी पूजा तो हिंदू धर्म में की ही जाती है। इनमें से पीपल और बरगद दो ऐसे पेड़ हैं जो 24 घंटे ऑक्सीजन देते हैं, है ना आश्चर्य वाली बात। यानी जब इंसान अपने स्वार्थ के लिए सारे पेड़ों को काटने लगेगा तो यह तीन पेड़ जिनको इंसान काटने से डरेगा, और शायद यही तीन पेड़ों की प्रजाति हम लोगों को जीवित रखने में सहायक हो सके। इन्हीं पेड़ों के कारण ही हमारी पृथ्वी की सुरक्षा होती है, क्योंकि जितनी दूर तक पेड़ की छाया धरती पर पड़ती है इतने दूर तक ज़मीन पर सूरज की रोशनी नहीं पड़ती, जिसके कारण ज़मीन के नीचे पानी के स्तर पर सूरज की रोशनी का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, और इतनी जगह पर नमी हमेशा बरकरार रहती है। फल, फूल, सब्जी, अनाज, मसाला, औषधि, यह सभी चीज़ें हम इन्हीं वृक्षों से ही तो प्राप्त करते हैं। आपने वट सावित्री पूजा के बारे में तो सुना ही होगा, चलिए हम आपको उसके बारे में बता दें। यह पूजा ऐसी होती है जिनमें स्त्रियाँ अपने पति के लंबी आयु के लिए वट के वृक्ष के नीचे जाकर वट सावित्री की पूजा करती हैं। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि लोगों का मानना है कि जैसे एक वट वृक्ष की आयु होती है वैसे ही हमारे पति की आयु लंबी हो जाए, ऐसा औरतों का मानना है, जिसके कारण से वट सावित्री की पूजा वट के पेड़ के नीचे ही की जाती है। लेकिन कुछ स्त्रियाँ ऐसी होती हैं जो वट वृक्ष के डाल को तोड़कर अपने घर पर लाकर उनकी पूजा करती हैं। अब आप स्वयं विचार करिए, क्या ऐसा किया जाना उचित है? जिस वट की पूजा हम इसलिए करते हैं कि उस वट की आयु के जैसे हमारी पति की आयु हो जाए, और दूसरी तरफ हम वट के डाल को तोड़ देते हैं, यानी उस डाल को मार देते हैं, और फिर हम उस डाल की पूजा करते हैं और उनसे कहते हैं कि आपकी आयु जितनी है वैसे ही हमारी पति की आयु भी लंबी कर दीजिए। अब आप स्वयं विचार करिएगा कि पूजा कैसी की जानी चाहिए। मैं किसी के पूजा पाठ के बारे में हस्तक्षेप नहीं करता, लेकिन जो बात सोचने वाली है उनको तो सोचा जा सकता है, मैंने अपने विचार दिए हैं। हमारी इस वीडियो का मकसद किसी के भी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँचाना नहीं है। दोस्तों अब मैं असम के धरती पर जन्मे जादो मुलाई पयांग के बारे में बताने जा रहा हूँ, जिन्होंने 1979 में असम के ब्रह्मपुत्र नदी में आए बाढ़ के बाद 16 साल की उम्र से ही नदी के किनारे स्थित बंजर जमीन पर पेड़ लगाना शुरू कर दिया, और 45 साल की उम्र तक उन्होंने लगभग 1300 एकड़ बंजर जमीन को पूरा का पूरा एक जंगल बना दिया, जो लगभग 55 किलोमीटर तक फैला हुआ है, जिसमें 4 करोड़ से भी ज़्यादा पेड़ लगा हुआ है। इस जंगल में 1 राइनोसेरस, 6 रॉयल बंगाल टाइगर और 100 हाथी रहते हैं। इन्होंने अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति और कठिन परिश्रम से नामुमकिन कार्य को भी मुमकिन कर दिखाया।
जिसके बाद जब लोगों को यह बात पता चला तो पूरे देश में यह बात फैल गई और 2012 में जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में इनको बुलवाया गया और इनको फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया का खिताब दिया गया। और जब यह बात डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी को पता चला तो उन्होंने उनकी 2.5 लाख रुपए से आर्थिक सहायता की और बहुत बड़ा अवार्ड दिया। वही व्यक्ति को 2015 में पद्मश्री अवार्ड दिया गया और आज के समय में इनकी स्टोरी को अमेरिका के सभी स्कूलों में पढ़ाया जाता है। यानी ये बात कहना गलत नहीं होगा कि असम की जितनी भी जनसंख्या है उनको शुद्ध ऑक्सीजन कहीं ना कहीं इनके कठिन परिश्रम के कारण ही मिल रहा होगा। अब मैं आप सभी को इन वृक्षों से रिलेटेड ही कुछ लाइनें सुनाने जा रहा हूँ जिन पर आपको गौर करना चाहिए। कि हरी भरी पेड़ों की डाली मन को कितना भाती है, मनमस्त पवन को संग लिए बारिश का मौसम लाती है, पहाड़ों की शान ये होती औषधि की खान सजोती है, खुद रहती है छाव बिना औरों को छाव जो देती है, ना जाने क्यों लोग जगत के पेड़ों को काटा करते हैं, कट जाते जो हाथ जरा से तो खून देख घबराते हैं, पेड़ों का ये दर्द भला क्यों इंसान समझ नहीं पाते हैं, ना जाने क्यों लोग जगत के पेड़ों को काटा करते हैं, हरी भरी ये बस्ती इनकी ये रोज उजाड़ा करते हैं, ना चाहे लोगों से कुछ भी ये लोगों को देने वाली है, धरती माँ के गोद से लिपटे पेड़ों की शान निराली है, फल फूल से भरती लोगों की झोली पर खुद का दामन खाली है, ना जाने क्यों लोग जगत के पेड़ों को काटा करते हैं, धरती माँ की गोद यूं ही हर रोज उजाड़ा करते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको छांव ये देती है, सबको देकर सेहत का अमृत उनसे कुछ ना लेती है, पीड़ा जो होती लोगों को तब ये औषधि बन जाती है, खुद पिसकर पत्थर के ऊपर रोगों को संग ले जाती है, बदल रहे इस समय के संतों अब यह बदलाव जरूरी है, हर धर्म में हो वृक्षों की पूजा यह संकल्प जरूरी है, वरना अब वह दिन दूर नहीं कि ऐसा भी दिन आएगा वृक्षारोपण दिवस रहेगा पर वृक्ष नहीं रह जाएगा। यदि आप चाहते हैं कि ऐसा दिन कभी ना आए हमारे जीवन में तो ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं, उनकी सेवा करें और अपने आसपास के लोगों के जीवन को सुखद बनाएं। इसी आशाओं के साथ अब मैं मोहित श्रीवास्तव आपसे लेना चाहूँगा इजाज़त, और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि ऐसे ही नई नई हमारी वीडियो आप तक पहुँच सके। धन्यवाद।